हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी न्यूज़ में। तो फ्रेंड, मैं आज आपको आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसमें आपके भर्ती आई हुई है जो कि 9000 पदों पर वो भर्ती निकलने वाली है, इसकी आपके क्या अपडेट आई हुई है और इसकी कब तक ये जारी होंगे फॉर्म ऑनलाइन, वो सभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। और आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और न्यू वैकेंसी अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे जो भी न्यू वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो आइए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2019 गुड न्यूज ऑफ सर्चिंग इंडियन रेलवे मिनिस्टर 9000, इसमें आपके पोस्टेज लाने वाला है, जिसमें देखिए 50% पोस्ट हैं जो कि आपके वुमेन के लिए रखी गई है, यानी कि आपके इसमें महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि 50% यानी कि 4000 प्लस वैकेंसीज महिलाओं की इसमें रख गई। और देखिए, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ट्वीट करके भी बताया है कि 50% ऑफ ओवर 9000 वैकेंसी दैट आर कमिंग अप द पोस्ट कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर, यानी कि इसमें कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की इसमें वैकेंसी है और इसमें आपके 50% रेलवे में वुमेन की भर्ती ली जाएगी। और इसका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की तरफ से ये वैकेंसी आपके पब्लिश की हुई है। और देखिए पोस्ट कौन कौन सी हैं, तो आपके इसमें कांस्टेबल की और एसआई की पोस्टेज है, यानी आपके कांस्टेबल के लिए और एसआई की पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। और देखिए टोटल वैकेंसी है फ्रेंड आपके 9000 वैकेंसी इसमें दी हुई है। और देखिए अप्लाई मोड आपके इसमें ऑनलाइन फॉर्म रखा गया है, यानी कि आपको ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं भरना है, ये आप कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। और देखिए एप्लीकेशन फीस हैं जो कि अभी तक इस फीस के बारे में कोई अपडेट्स नहीं आई हुई है। और देखिए एज लिमिट जो भी अभी तक आपके नहीं आई है। और इसमें आपके ग्रेजुएशन है, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन है फ्रेंड जो कि आपके 10th pass 12th pass ग्रेजुएशन पास वाले इसमें अप्लाई करवा सकते हैं। और देखिए इम्पोर्टेड डेट्स अभी तक इसकी जारी नहीं हुई है, यानी कि आपके इसमें ये अपडेट ही आई हुई है, इसकी अभी अप्लाई फॉर्म की डेट नहीं आई है, यानी कि आपके ये जल्द ही आवेदन शुरू हो सकते हैं जो कि आपके इसी महीने से शुरू हो सकते हैं, यानी कि आपके 1 जुलाई से शुरू हो सकते हैं। इसकी कोई न्यूज़ नहीं आई हुई है लेकिन जल्द ही ये शुरू होने वाले हैं, तो आप भी इसमें अप्लाई करवा सकते हैं, आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपडेट कैसी लगी, कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और इसी तरह की इसके बारे में और भी न्यू अपडेट्स जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।